ये हनुमान मूर्ति झिरिया मंदिर का, ये शनि मंदिर, यहाँ पर पिछले 13 सालों से रामायण का पाठ चल रहा है। झिरिया मंदिर का ये प्राचीन मूर्तियां, श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम हर शिव धाम। ये नर्मदा जी का प्रतिमा जी, और इस स्थान की खासियत ये है कि यहाँ पर कुंड भी है, नर्मदा कुंड, ये कुंड है, यहाँ से जल की अविरल धारा प्रवाह होती रहती है और इसको नर्मदा कुंडी कहते हैं। किसी भक्त को माता जी ने सपने दिया था कि मैं यहाँ पर आऊँगी और यहाँ पर थोड़ा सा खोदने पर ग्राउंड लेवल से मुश्किल से 1-2 फीट नीचे में ये जल हमेशा बहता रहता है और इस मंदिर का पानी का स्रोत भी यही कुंड है। यहाँ माता जी का सेवा करते हुए चरगवां के भक्त, क्या नाम है भैया आपका? दीपेश चौबे जी। चलिए, ब्राह्मण मूर्ति बहुत बढ़िया, युवा भक्त हैं। इसी मंदिर में ये रामायण का पाठ विगत 13 सालों से अखंड चल रहा है, दिन रात 24 घंटे। और यहाँ पर आसनी महाराज जी के जहाँ पर पाठ होता है, ये इस मंदिर का भंडार गृह जहाँ पर भोजन बनता है लकड़ियों से, बहुत सुंदर कल का प्रसाद मिला खाने के लिए। ये यहाँ का चूल्हा, ये नर्मदा भक्तों के लिए, नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए ये रहने का स्थान, कमरा, ये अच्छा बड़ा हॉल है। और अब कमरे के अंदर ये अच्छा बड़ा हॉल, यहाँ पर ये गद्दे और ओढ़ने के लिए कम्बल, ये सब व्यवस्था, सुंदर व्यवस्था। ये हमारी आसनी जो हमने रात में लगाया था, बाकी सब खाली, कल केवल मैं अकेले ही इस कमरे में था और जो रामायण का पाठ करने वाले थे वो रात में यहाँ पर विश्राम कर रहे थे।